नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है आपको और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं समय की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं समय की। आपको बता दें कि पन्ना में हादसे का शिकार हुई है बस। पन्ना से खबर इस समय की आप तक पहुंचा रहे, जहां नियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई है बस और ये बड़ा शिकार होते हुए नजर आ रही है। पुलिया के नीचे बस गिर गई है, हादसे की शिकार हुई है बस। और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां देख सकते हैं बस गिरी है और हालात आप देख सकते हैं। और यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी बस, जिसके बाद ये बस अनियंत्रित होकर के पुल के नीचे गिर गई है। तो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना भयावह ये मंजर रहा होगा जब ये बस नीचे गिर गई। वहीं काफी बड़ा हादसा देखने को मिला है, ये अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई है बस। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के साथ बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस घटना के बाद तमाम जो स्थानीय लोग थे वो एकजुट हो गए हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भी भर्ती करा दिया है। हालांकि पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कई यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है इलाज के लिए। हालांकि आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई है बस, और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं और अनियंत्रित की होकर पुलिया के नीचे गिरी है ये बस। इसमें तमाम यात्री इसमें मौजूद थे, बस पूरी तरह खचाखच भरी हुई थी यात्रियों से, जिसके बाद बस का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद बस जो है नीचे गिर गई। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि बस जो है अनियंत्रित होकर के पुलिया से नीचे गिर गई है, क्या कुछ जानकारी है विस्तार से बताएं प्रदीप। जी बिल्कुल, रेपरा से ये हरदुआ एक ग्राम पड़ता है, रेपरा तहसील के अंतर्गत एक ग्राम हरदुआ होता है, जहाँ पर सुबह की रूटीन जो बसें होती हैं वह द्वारका ट्रेवल्स जो होती है वो सात साढ़े सात बजे वहाँ से हरदुआ से गुजरती है, जो पन्ना तक आती है, जहाँ तमाम तरह के यात्री जो होते हैं वो बस में आते हैं अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए। तभी बस हरदुआ से चलती है और मोहंदा के पास ही रामपुरा मोड़ के पास पुलिया के पास जैसे ही गुजरती है तो वहाँ बस अंधेरे हो जाती है और खाई के नीचे गिर जाती है, जिससे ज्यादा यात्रियों के जो खचाखच भरे होने के कारण यात्रियों के घायल होने की जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है। हालांकि ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं अभी किसी की जानकारी लगी है कि किसी को गंभीर चोटें आई हो, लेकिन जो मामूली चोटें आई हो उनको जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जब प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई तो प्रशासन भी तुरंत वहां आनन फानन पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य किया। जी सोनाली, प्रदीप आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये घटना हुई है और पुलिया के नीचे ये बस गिर गई, बताया जा रहा है कि तमाम यात्री इस दौरान मौजूद थे, इस यात्री कर रहे थे, लेकिन इसमें अब तक कितने लोगों की कोई मौत की पुष्टि हुई है ये भी जरा विस्तार से बता दें। अभी जो जानकारी लगी एक दर्जन से अधिक यात्रियों की खबरें जो निकल कर आ रही है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अगर किसी के हताहत होने की खबर अभी तक कोई प्रशासन ने और ना ही कोई ऐसी स्थिति दिखी है घायलों को ले जाते समय की किसी के हताहत होने की खबरें आई हैं। हालांकि अगर हम मामले को अगर पूरा देखा जाए तो जो यात्री बसें होती हैं उनका एक हादसों का भी एक बड़ा रीजन होता है कि क्यों इतनी ओवरशीटें या ओवरलोडेड बसें होकर चलती हैं और जिसके कारण यात्री हंसे हंसे अभी। प्रदीप इसमें आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बस के अंदर तमाम यात्री मौजूद थे और पूरी बस जो है खचाखच भरी हुई थी, सवाल ये है कि आखिर बस पूरी तरीके से क्यों भरी हुई थी, क्योंकि जितनी सीट है उतने ही यात्री होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर खचाखच लोग भरे हुए थे, इसको लेकर के क्या कुछ बड़ी बात सामने आ रही है, बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसी बसें भी हैं जहां पर अधिकतर देखने को मिलता है कि बस ड्राइवर जो है और जो कंडक्टर है वो खचाखच पूरी बस भर लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर जिले में यात्री बसों को लेकर देखा जाए तो काफी खस्ता हाल हालात में बसों का संचालन होता है। अगर देखा जाए तो जो
दूर दराज के बसेस के जो रूटेस होते हैं उनमें ना तो ये ध्यान रखा जाता है कि कितने सीटर बस है और कितने सीटर कितने यात्रियों को बैठाना चाहिए। अगर हम द्वारका ट्रेवल्स की बात करें तो द्वारका ट्रेवल्स हमेशा से ही ऐसी खचाखच भरी हुई वहाँ से आती है, ना तो वहाँ कभी प्रशासन ध्यान देता है और ना ही बस मालिक की 32 सीटर अगर बस पास है तो 32 सीटों के ही लोग बचा भरा चाहिए। अगर विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से बस खचाखच से छोटे बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सभी भरे हुए थे जो पन्ना की ओर अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए आ रहे थे, लेकिन हरिद्वार के पास आते ही बड़ा हादसा होता है। हालांकि इसमें अच्छी खबर यह है कि किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं प्राप्त हुई। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कोई भी अभी अधिकारी वहां बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कितने लोग घायल हुए हैं या एक्चुअल कोई आंकड़ा बताने के लिए तैयार नहीं है। जी जी प्रदीप, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि यात्रियों से खचाखच बस भरी हुई थी, हालांकि किसी के कोई भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें तमाम जो यात्री थे वो घायल हो गए हैं जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।